तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अनबॉक्स और रिव्यू करेंगे एक रिमोट कंट्रोल फेरारी कार। या आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की हमारी कार है, येलो कलर में आपको कार मिल जाएगी और यह कार आपको फ्लिपकार्ट पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर बॉक्स पर देख रहे थे क्या क्या बातें दी गई। सुपर कार रिमोट कंट्रोल ओपन द डोर, जो इसका डोर है वो ओपन होगा रिमोट कंट्रोल से, जो बहुत ही अच्छी बात है और देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। और बॉक्स के इस तरफ हम देख लेते हैं तो 3+ एज और इसका स्केल जो है 1:16 का है। इसमें बहुत इसके फीचर दिए गए हैं, फॉरवर्ड रिवर्स जो आप कर सकते हैं वो सारी बातें। इधर सुपर कार रिमोट कंट्रोल, तो चलिए बिना किसी देरी के हम बाहर निकालते हैं, फिर आपको हम दिखाते हैं कि इस कार के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा बॉक्स के अंदर, कार के अंदर भी। तो ये कार के अंदर एक बॉक्स के अंदर हमें एक रिमोट मिल जाएगा, ये हमारी कार, और ये 4 बैटरी हमें देखने को मिल जाएगी। मैंने इसको पहले ही अनबॉक्स कर लिया था, फिर बाद में इसको डब्बे में रख दिया था। तो 4 बैटरी हमें देखने को मिल जाएगी डबल ए साइज़ की, जो रिचार्जेबल है, और NICD। ये देखिए 700 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलेगी, अच्छी बात है। पूरी जोड़ के 700 mAh है या एक 700 mAh, मुझे लगता है अकेली 700 mAh की, नहीं ऐसा नहीं पता नहीं, यही लोग जाने लिख दिए हैं। बस इसको हटाते हैं साइड में, और ये एक चार्जिंग का केबल हमें देखने को मिल जाएगा जो मोटे पिन का आता है उस तरीके का। तो हम बात करते हैं कि हमारी ये कार कैसी है। तो बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बिल्ड क्वालिटी आपको बहुत ही सही देखने को मिल जाएगी। जिस हिसाब से इसका दाम है उस हिसाब से इसकी बिल्ड क्वालिटी बहुत ही सही है, और दाम कितना है मैं आपको अभी वीडियो में बताता हूँ। बिल्ड क्वालिटी इसकी काफ़ी सही है, और यहाँ पर देखिए इसके ऑन ऑफ का बटन, और यहाँ पर देखेंगे तो चार्जिंग का एक पोर्ट दिया गया जो मोटे पिन वाला में ये मिला है, इसकी मदद से आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं, जो बहुत ही सही बात है। और चलिए हम बैटरी इसमें जल्दी से लगा देते हैं, कुछ इस तरीके से आप बैटरी लगा पाएंगे। और यहाँ पर पेज भी हमें जो स्क्रू होता है वो हमें मिला था लेकिन हमने निकाल दिया है, यहाँ पर आप स्क्रू लगा सकते हैं, जो स्क्रू लगाना चाहिए, जो सही बात है। और ये रिमोट है, रिमोट की बात करते हैं तो जिस हिसाब से प्राइस है उस हिसाब से बहुत ही सही रिमोट है, एकदम हल्का सा है लेकिन क्वालिटी मुझे ठीक लग रही है इसकी, एकदम हाई क्वालिटी का नहीं है लेकिन प्राइस के हिसाब से जितनी कीमत है इसकी उस हिसाब से बहुत ही सही है। ओ हाँ, ऑन है, इससे आगे जाएगी इससे पीछे, ये ट्रिगर तो आपको इतना सिंपल सी बात है, लेफ़्ट राइट करने के लिए ये वाला बटन दिया गया है, आप इसकी मदद से देख सकते हैं कुछ इस तरीके से लेफ़्ट राइट कर पाएंगे। फॉरवर्ड रिवर्स करने के लिए ये है, और जो इसका ये डोर है उसको ओपन करने के लिए बीच का बटन जो ये वाला है, यहाँ पर इसको आप दबाइए, बीच वाला बटन जब आप दबाएंगे तो इसका डोर देखिए कुछ इस तरीके से ओपन होगा, जो बहुत ही जल्दी, थोड़ा रुकना चाहिए जैसे, हाँ ऐसे कर सकते हैं, ऊपर ले जाकर रोक दें तो देखने में बहुत ही अच्छी लगेगी। ये रिमोट कंट्रोल हमारी फेरारी कार है, देखते हैं बल्ब इसका जलता है या नहीं। हाँ, जब सामने करेंगे तो ये दोनों बल्ब जलेगा लेकिन पीछे करने पर बल्ब नहीं जलेगा। ये इसका डोर आप देख सकते हैं जो देखने में काफ़ी सही लगता है। जिस हिसाब से इसका दाम है, इसका दाम मैं बताता हूँ 850 रुपये के आसपास में आपको फ्लिपकार्ट पर आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए अब हम बाहर चलते हैं, फिर आपको अच्छी तरीके से इसको हम चला कर दिखाते हैं कि बाहर हमारी कार कैसे चलती है, स्पीड वगैरह इसकी कैसी है। तो चलिए हम आपसे बाहर मिलते हैं। हम बाहर आ चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, अगर हम इसकी स्पीड की बात करें तो स्पीड आपको इसमें काफ़ी सही देखने को मिल जाएगी, जिसे एक हाई स्पीड कार कहा जाता है, ये आप उसको समझ सकते हैं। ये एक अच्छी कार है, स्पीड इसकी आपको काफ़ी सही मिलने वाली है। और रिमोट की बात करें तो लगभग आपको इसमें 10 मीटर की रेंज आसानी से मिल जाएगी। और इस बात करें कि रिमोट कंट्रोल कैसा, रिमोट बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है, लेफ़्ट राइट जैसे ही आप करेंगे लेफ़्ट राइट ही बहुत जल्दी हो जाएगा, इंस्टेंट रिमोट अच्छा है इसका, बहुत ही सही तरीके से ये काम करता है। 27 MHz की फ्रिक्वेंसी पर इसका रिमोट चलता है।
तो चलिए इसको हम जंप कराकर आपको दिखाते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारी कार जो है जंप करेगी, जो देखने में काफी सही लगती है। तो दोस्तों, आप लोग का एक सवाल यह होगा कि इस फेरारी कार को आपको ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। मैं तो कहूँगा जिस हिसाब से ये लोग प्राइस लिए हैं, उस हिसाब से यह हमारी कार बहुत ही अच्छी है। बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, रिमोट कंट्रोल भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। लेकिन एक दिक्कत इसमें यह आपको यह आएगी, इसका बैटरी का बैकअप बहुत ही कम है। लगभग 10, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 10 मिनट का इसमें बैटरी का बैकअप मिलेगा। लेकिन जिस हिसाब से प्राइस लिए हैं, उस हिसाब से अच्छी कार, क्योंकि जो इसकी डिज़ाइन वगैरह है वो बहुत ही सही है। इसका डोर भी ओपन होता है। इस प्राइस रेंज में बहुत ही सही कार। अगर बैटरी का बैकअप थोड़ा सा और ज़्यादा होता तो अच्छा होता, लेकिन फिर भी सही है। जिस हिसाब से इसका दाम है, उसी हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। ये फैसला आपके ऊपर है, आपको लेना है या नहीं। लेकिन प्राइस को देखते हुए मैं कहूँगा कि ठीक है। बस ध्यान रहे कि बैटरी का बैकअप इसमें आपको अच्छा नहीं मिलेगा। बस मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी टॉय की अनबॉक्सिंग या किसी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।